आई वेलकम ऑन योर पी डी एजुकेशन एंड माई दिस वीडियो इज रिलेटेड टू इको सिस्टम इको सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है और इको सिस्टम इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये छोटा सा वीडियो है और ये डॉक्यूमेंट भी तुम ले लेना इसको डाउनलोड कर लो दिस अवेलेबल ऑन अवर वेबसाइट इको सिस्टम डिफाइन कैसे कर सकते हैं जो भी तुम्हें वट एवर यू कैन सी जो भी तुम्हें नज़र आता है जो भी तुम्हें दिखता है दैट इज इको जो भी तुम्हें दिखता है टेबल चेयर ये वो सारा ये ह्यूमन बींग सारा ऑर्गेनिज्म सो लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सारी चीज़ इको के अंदर आती है इसके अलग अलग क्लासिफिकेशनस हैं इसकी डेफिनेशन है, भी है इसका स्ट्रक्चर भी है कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है सो so, uh, हमें ये सारा इम्पॉर्टेंट uh, पॉइंट्स पता होने चाहिए बिफोर वी आंसर द क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका लेक्चर इको सिस्टम का डेफिनेशन वो मैं अभी आपको बताता हूँ इस डायग्राम को आप देखें इको सिस्टम के अंदर आपको दिखेगा देर इज एनर्जी अनर्जी कंटेंट ऑल्सो वी डिस्कस जिसको जैसे सोलर रेडिएशन है वो एक अनर्जी का सोर्स है सो so, अर्थ के ऊपर जो इकोसिस्टम है उसका मेन सोर्स अनर्जी का सोलर रेडिएशन सोलर अनर्जी है उसके बाद हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी क्लासिफिकेशन है एनिमल्स हो गए प्लांट्स प्लांट्स हो गए आपके ऑर्गेनिज्म छोटा ऑर्गेनिज्म हो गया ये सारे के सारे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं और उसी तरीके से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं और उन सबको को मिला के इकोसिस्टम बनता है सो so, कम्युनिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद नॉन लिविंग एनवायरमेंट एनवायरनमेंट जो मिला है वो नॉन लिविंग है जैसे अभी मेरा ये एनवायरनमेंट जो है दैट इज एयर वाटर मॉइस्चर एनर्जी सोलर रेडिएशन दिस इज एनवायरनमेंट दिस एनवायरनमेंट इज़ नॉन लिविंग और उसमें जो लोग रहते हैं उसमें जो ऑर्गेनिज्म लेते हैं दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म नाउ डेफिनेशन इसका क्या है इकोसिस्टम <coughs> में होता क्या है आपके लिविंग चीजें नॉन लिविंग चीज़ों को मिला के आपका इको बनता है और <coughs> इसका जो डेफिनेशन है दैट वॉज गिवन बाई ए जी डेफिनेशन इनका जो दिया गया था वो ये डेफिनेशन है जो आप देख सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो लार्जली आपको एनवायरमेंट प्रोवाइड करती है नॉन लिविंग आपको एनवायरमेंट प्रोवाइड करती है सो so, लिविंग आपके जो ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के नॉन लिविंग एनवायरमेंट के अंदर आता है डेफिनेशन This, these two are in the अब इसके अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बायोटिक एंड ए बायोटिक जाएगी और वो अनर्जी मेन कॉज है इकोसिस्टम के एग्जिस्ट करने का सोलर एनर्जी मेन कॉज है जो इको सिस्टम एग्जिस्ट करता है या सर्वाइव करता है उसका मेन जो रीजन है दैट इज एनर्जी सोलर एनर्जी सो so, ये एनर्जी एक बार इको के अंदर अगर आती है तो उसके बाद उस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है आपके क्लाइमेट कंडीशन एंड पैरामीटर्स पूरे के पूरे इकोसिस्टम को हम दो तरीके से स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हैं एक बायोटिक कंपोनेंट होते हैं एक एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं और एक चीज़ का याद रखना कि ये जो आपका इकोसिस्टम है ये क्लोज सिस्टम नहीं होता जैसे आपको डायग्राम में ये दिख रहा है यहाँ पे कि ये तो एक क्लोज सिस्टम हो गया एक्चुअली क्लोज सिस्टम नहीं है ये ओपन सिस्टम है ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इकोसिस्टम होता क्या है क्लोज सिस्टम होता है ओपन सिस्टम होता है क्योंकि सोलर रेडिएशन आएगी और तुम जानते हो है तो दिस दिस इज इज नॉट क्लोज सिस्टम टोटल ओपन सिस्टम नाउ ए बायोटिक एंड बायोटिक दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं तो ए बायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर बायोटिक फैक्टर्स को भी आगे हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर यहां से आपको इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए और कंज्यूमर को भी आगे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में डिवाइड कर सकते हैं तो ये दिमाग में आपको ये इमेज रखना है और इस इमेज के बेस पे आप आगे इन टर्म्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं भाई साहब प्रोड्यूसर क्या होता है या डी क्या होता है कंज्यूमर क्या होता है एग्जाम्पल दो कोई प्रोड्यूसर का अभी अगर मैं पूछूं कि प्रोड्यूसर का कोई एग्जांपल दो कंज्यूमर का एग्जांपल दो तो प्रोड्यूसर जो बायोटिक फैक्टर है प्रोड्यूसर उसका एग्जांपल दो विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी प्रोड्यूसर और इज नॉट प्रोड्यूसर ऑफ बायोटिक फैक्टर सो ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आता है बायोटिक मीन्स लाइफ नॉन बायोटिक और ए बायोटिक मीन्स नो लाइफ सो यहां पे वट एवर यू आर सी टेम्परेचर मॉइस्चर वाटर एवरीथिंग दिस इज ए बायोटिक दैट मीन्स एनवायरनमेंट है और सरवाइव करने के लिए चाहिए एयर इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ द बायोटिक थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके सर्वाइवल के लिए एयर इज रिक्वायर्ड बिकॉज यू नो इफ ए बायोटिक एनवायरनमेंट इज नॉट देयर तो हम शायद सर्वाइव ना कर पाए हम क्यों मून के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते अभी तक क्योंकि वहां पे ए बायोटिक जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बायोटिक जो लिविंग होता है लिविंग की भी कैटेगरीज हैं वो सारी लिविंग की कैटेगरीज आपने ये कैटेगरीज में इसमें डाला है तो स्लाइड को रोक के इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो फिर बायोटिक कंपोनेंट जितने भी लिविंग कंपोनेंट हैं उनको बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं और उनकी कैटेगरीज क्या हैं उनकी कैटेगरीज हैं ऑटोट्रॉफ्स हिटरोट्रॉप्स एंड सेप्ट्रो सेप्रोट्रॉप्स ये डिकम्पोजर सो so, ये तीन नाम हमने बताए उन्हीं के ये टेक्निकल नेम्स हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर डी इन्हीं को तुम इन नाम से भी यहाँ पे आपको याद करना है ऑटोट्रॉप्स हिट्रोट्रॉप्स एंड सो ये तीन नाम आपको याद करने हैं ये आपके बायोटिक के ही तीनों नाम हैं और ये तीनों नाम आपके न्यूट्रिशन के बेस पे हैं इनका न्यूट्रिएंट कंपोनेंट क्या है उसके बेस पे ये तीन क्लासिफिकेशन किया गया है तो बायोटिक का जो तीन क्लासिफिकेशन हमने देखा वो किस बेस पे है वो न्यूट्रिशन के बेस पे है और इस तरीके से हमने उसको तीन क्लासिफिकेशन किया हुआ है ये इसको डिटेल में आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर किसको बोल दिया हमने कंज्यूमर किसको बोल दिया हमने डी कंपोजर हमने किसको बोल दिया आप इन तीनों को यहां पे एज एग्जाम्पल भी देख सकते हैं तीनों का एग्जाम्पल है क्या प्रोड्यूसर सबसे निचली चेन जो है बायोटिक की सबसे नीचे जिसके ऊपर बाकी सारे डिपेंड करेंगे वो आपका प्रोड्यूसर है अगर आप देखेंगे हम लोग भी ह्यूमन बींग भी एनिमल भी इसके ऊपर डिपेंड करता है प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है फिर इसके बाद जो डीकम्पोजर है डीकम्पोज करते हैं उसको डीकम्पोजर इवेंचुअली इसको भी फीड करता है तो एक साइकिल बनता है तुम्हारा सो so, डीकोजर के क्या एग्जांपल हैं और इसके क्या एग्जांपल है वो हम देखेंगे ये स्लाइड्स को रोक के थोड़ा इसको समझेंगे आप प्रोड्यूसर सारे ऑटोट्रोप्स होते हैं जैसे प्लांट्स हैं और इनको इसलिए बोला जाता है ऑटोट्रोप्स क्योंकि ये आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को यूज करते हैं तो ये आपका फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू तो अगर हम पूछें कि प्लांट्स अपना फूड क्रिएट कैसे करते हैं तो आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा हुआ है जिसमें एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेके और सोलर एनर्जी को लेके ये हम लोगों के लिए फूड क्रिएट करते हैं तो प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर क्यों बोला क्योंकि प्रोड्यूस करते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं फूड प्रोड्यूस करते हैं क्या प्रोसेस 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 के के थ्रू थ्रू फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस क्या है है ये हम लोगों ने पढ़ी हुई है. अब जितने भी बाकी ऑर्गन हैं ऊपर फूड चेन में आगे ऑर्गेनिज्म आएगा वो प्रोड्यूसर को खाएगा प्रोड्यूसर को यूज करेगा फॉर फूड तो प्रोड्यूसर के ऊपर वो रिलाई करते हैं प्रोड्यूसर मीन प्लांट्स दूसरी कैटेगरी आगे कंज्यूमर और ये डिपेंड करते हैं आपके प्रोड्यूसर के ऊपर और ये भी तीन कैटेगरी के, के होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर प्राइमरी होते हैं हरबी बोर हरबी बोर जो मतलब आपके ये प्लांट्स वगैरह के ऊपर डिपेंड करते हैं जैसे एनिमल्स वगैरह आपने बोले सेकेंडरी होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर के लिए के ऊपर डिपेंड करते हैं ये कार्निवोर्स भी हो सकते हैं ओमनीवोर्स भी हो सकते हैं कार्निवोर्स जो फ्लैश खाते हैं ओमनीवोर्स जो सब कुछ खा लेते हैं हरबीवोर्स जो प्लांट ही खाते हैं मतलब वेजिटेरियन बोल दो कार्निवोर्स जो बेसिकली प्लांट और एनिमल उसके ऊपर भी जैसे फ्लैश भी खा लेते हैं जैसे आ, एनिमल्स को खा लेते हैं ह्यूमन बीइंग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों है तो ह्यूमन बीइंग इज ओमनिवर्स राइट प्लांट्स भी खा लेता है तो वो भी खा लेता है कार्निवोर्स जैसे लॉइन है जो है वो प्लांट नहीं खाता लॉइन जो है वो ओनली फ्लैश ही खाता कार्निवोर सो हर्बीवोर कार्निवोर एंड ये तीन कैटेगरीज आप जानते हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर वो हर्बिवोर्स होते हैं सेकेंडरी दोनों होते हैं टर्शरी वो होते हैं जो सेकेंडरी के ऊपर डिपेंड करते हैं एंड टर्शरी कंज्यूमर भी कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स हो सकते हैं सो बेसिकली टर्शरी जो है वो सेकेंडरी के ऊपर डिपेंड करता है और सेकेंडरी जो है प्राइमरी के ऊपर डिपेंड करता है और इस तरीके से आपके अलग अलग कंज्यूमर है एक क्वाटरनरी कंज्यूमर भी होता है कुछ फूड चेन में ये टर्शरी के ऊपर सर्वाइव करते हैं और टॉप ऑफ द फूड चेन होते हैं और इनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता है सबसे ऊपर इनको बोला जाता है क्वाटरनरी कंज्यूमर जैसे ह्यूमन बीइंग है बीइंग्यूमनजी ह्यूमन बीइंग का कोई प्रे नहीं करता है वो ऑब्वियसली जानवर उनका सर्वाइवल के लिए नहीं है ऐसा कोई भी आपको फूड चेन में नहीं दिखेगा जो ह्यूमन बीइंग को खा के सर्वाइव कर रहा है ऐसा कोई नहीं है ह्यूमन बींग टॉप ऑफ द चेन आप बोल सकते हैं लेकिन ह्यूमन बींग सबको खा के सर्वाइव करने वाले कैटेगरी के अंदर आता है तो क्वार्टर कंज्यूमर उसको बोलते हैं पीछे हमने इसका एक डायग्राम भी देखा था हाँ ये आपके कंज्यूमर्स लेकिन कंज्यूमर्स की कैटेगरी हमने यहाँ पे नहीं देखी है अभी तीसरा आ गया डीकम्पोजर डी कंज डीकंपोजर और सेप्रोफाइट्स जो हैं फंगी बैक्टीरिया वगैरह आते हैं और ये डायरेक्टली डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं क्योंकि ये करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज के थ्रू ही ये प्लांट को फीड करते हैं तो तुम देखो कि जो प्रोड्यूसर है वो प्लांट्स हैं और प्लांट्स को क्या चाहिए वो डिकम्पोज न्यूट्रियट चाहिए वो डीकम्पोजर करते हैं और प्लांट्स के ऊपर सर्वाइव करता है कंज्यूमर तो प्रोड्यूसर प्लांट कंज्यूमर प्लांट के ऊपर और कंज्यूमर भी अलग अलग टाइप के प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टर ने वो थोड़ा सा देख लेना हरबी बोर्स किसको बोलते हैं ओमनी बोर्स किसको बोलते हैं एंड देन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज उसके ऊपर प्लांट डिपेंड करता तो एक साइकिल सा हमारा सारे के सारा साइकिल सा यहां बनता है वो इंपॉर्टेंट साइकिल हमारे पास होती है अब इसके ए बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं बायोटिक तो हमने देखा ए बायोटिक होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट इसमें इंपॉर्टेंट है एयर जो हमें चाहिए वाटर हमें चाहिए सॉयल हमें चाहिए मिनरल हमें चाहिए सनलाइट हमें चाहिए टेम्परेचर हमें चाहिए न्यूट्रिएंट, विंड अल्टीट्यूड टर्बिडिटी सो ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं ये हमें चाहिए होते हैं सो so दैट हम सर्वाइव कर सकें सो ए बायोटिक फैक्टर कुछ मेजर एबायोटिक फैक्टर होते हैं ये पांच मेजर बायोटिक एबायोटिक फैक्टर हैं जो ह्यूमन बींग को सर्वाइवल के लिए चाहिए अगर सनलाइट ना हो सोचो सॉयल ना हो टेम्परेचर ना हो एयर ना हो वाटर ना हो तो ह्यूमन बींग या लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता इसलिए ये ए बायोटिक फैक्टर इम्पॉर्टेंट हैं सर्वाइवल के लिए फॉर ह्यूमन बींग और फॉर दिस एंटायर सप्लाई चेन ये अलग अगेन दिस इज़ द कंक्लूजन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर बायोटिक एंड ए बायोटिक हमने जो डिस्कस किया बायोटिक ऑर्गेनिक मैटर है और लिविंग थिंग्स uh, इसमें आती हैं और इसमें बहुत से एग्जाम्पल हैं जो आपको uh, आप ले सकते हैं उसको देख सकते हैं ए बायोटिक के अंदर आपके पैरामीटर आते हैं फैक्टर्स आते हैं जो बायोटिक को सपोर्ट करते हैं सो so, इस तरीके से हमारे ये सारे के सारे हमने डिस्कस किए ए बायोटिक फैक्टर इनके नाम याद रख लेना आप और आपके जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर और डी इनका दूसरा नाम ऑटोट्रोफ हिटर एंड सेप्रोफाइट और सेप्रोट्रोफ एंड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वार्टरनरी कंज्यूमर क्या होते हैं ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर आपके हरबी होते हैं प्रोड्यूसर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं कैसे प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो आपके पास यहाँ पे कुछ टर्म्स हमने डिस्कस की हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड नो दैट यहाँ पे एग्जांपल इनके तीनों जो टाइप्स हैं उसके एग्जांपल बायोटिक होता क्या है और ये तीन कैटेगरीज हमने डिस्कस किया उसके पहले हमने पूरे इकोसिस्टम को स्ट्रक्चर बनाया ए बायोटिक फैक्टर्स हैं बायोटिक फैक्टर्स हैं बायोटिक फैक्टर्स के क्लासिफिकेशन ए बायोटिक के एग्जांपल, वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया इनका याद कर लेना आप किस तरीके से ये डिफरेंट हैं और स्ट्रक्चर क्या है ये हमने पहले शुरू में डिस्कस किया और उससे पहले हमने इकोसिस्टम को डिफाइन किया किसने इसका नाम दिया वो हमने डिस्कस किया एंड इकोसिस्टम होता क्या है सो so ये छोटा सा वीडियो था इकोसिस्टम है क्या स्ट्रक्चर इसका कैसा है और और भी आप वीडियोस ऐसे सुनते रहो ये डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है इसको गो थ्रू करो कैसे क्वेश्चन इसमें से बनेंगे वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो आई होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर लेक्चर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कई बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं थैंक यू